हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से हमारी और आपके ओनली टेक इन्फो चैनल पर। आज के इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ कि आप किस तरह डाक पे में UPI जो पिन होता है तो आप किस तरह चेंज कर सकते हैं, तो चेंज करके एक नया सा पिन आप किस तरह सेट कर सकते हैं, तो इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ। तो इस वीडियो को शुरू से एंड तक देखें। और इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं कहना चाहता हूँ, अगर मेरा चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नीचे बेल आइकन उसे भी प्रेस कर दीजिएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक जरूर कीजिएगा। तो सबसे पहले आपको डाक पे ओपन करना है। अभी आप देख रही है ऊपर थ्री लाइन, तो थ्री लाइन पर आपको इस तरह क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करते हैं तो क्लिक करने के बाद अभी देख रहे हैं मैनेज अकाउंट्स, तो इसमें आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करते हैं, देखिए क्लिक करने के बाद अभी इस तरह आ रहा है, देखिए अभी थ्री डॉट पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप थ्री डॉट पर क्लिक करते हैं तो नीचे अभी आप देख रही है सेंस UPI पिन, तो इसमें आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करते हैं, देखिए क्लिक करने के बाद देखिए अभी देखिए इंटर UPI पिन, अभी जो आप यूज़ कर रही है पिन UPI, तो इसमें डालना पड़ेगा। तो आप दीजिएगा आपका जो पिन है, तो मेरा जो पिन है मैं इसमें दे देता हूँ। तो देने के बाद अभी देख रही है, तो देने के बाद देखिए सेट अप UPI पिन, अभी नया सा क्या पिन आप बनाना चाहते हैं UPI पिन, ठीक है। तो मैं नया सा एक पिन बनाना वाला हूँ अभी, तो मैं इसमें दे देता हूँ। देखिए अभी नया सा मैं UPI पिन मैंने अभी दिया, तो देने के बाद फिर से आपको देखिए नीचे अभी करेक्ट का सिंबल आ रहा है, उसमें आपको क्लिक करना है। तो जैसे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद देखिए कन्फर्म UPI पिन फिर से आपको देना पड़ेगा जो अभी दिया है अभी, तो मैं फिर से दे देता हूँ। तो इस तरह देने के बाद देखिए अभी करेक्ट का सिंबल नीचे फिर से आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करते हैं देखिए सक्सेसफुली UPI पिन सक्सेसफुली सेंस हो गया है। तो इसी तरह आप चाहे आपका जो UPI पिन है तो आप सेंस करके एक नया सा पिन आप बना सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी अच्छे लगे आपको तो इस वीडियो को लाइक करें और इन चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं एक और एक नया वीडियो में, तब तक के लिए बाय।